नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज के सेशन में हम लोग एपिक और मॉक एपिक को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, एपिक का दूसरा नाम क्या है? हीरोइक पोएम। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपिक का दूसरा नाम क्या है? हीरोइक पोएम है। इसके अलावा एपिक पोएट्री की कोई भी फॉर्म या जोनरा हो, चाहे पर्सनल पोएम हो या इम्पर्सनल पोएम हो, चाहे सोनेट, ओट, लिरिक, एलिजी हो या फिर बैलड, इपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, मॉक इपिक, इन सब में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा सबलाइन कौन सी पोएम होती है? एपिक होती है। इतना ही नहीं, एपिक को एरिस्टोटल ने भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएट या महिमा मंडित किया है। एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में बोला है कि एपिक जो है ट्रेजिडी के बाद दूसरी सबसे उत्कृष्ट कोट की रचना होती है। एपिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे एपिक अगर कोई पोएम है तो उसमें 12 बुक्स होने चाहिए, वो ब्लैंक वर्स में लिखी होनी चाहिए और उसका स्टाइल क्या होना चाहिए? ग्रैंड होना चाहिए। ये सारे भी बहुत इजी फैक्ट्स हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, आप याद रखेंगे। एपिक एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री यानी इम्पर्सनल पोएम होती है। इसमें पोएट अपनी थॉट, फीलिंग, इमोशन या पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। एपिक एक ऐसी पोएम होती है जिसमें पोएट अपने आप को डिटैच करके रखता है, जो भी स्टोरी रहता है वो एज इट इज लिखता है। इसके अलावा एपिक की एक और विशेषता होती है, एपिक हमेशा मीडिया रेस से स्टार्ट होती है। मीडिया रेस एक लैटिन नेम है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मिडस्ट ऑफ द थिंग, यानी एपिक एक ऐसी स्टोरी होगी जो हमेशा बीच से स्टार्ट होगी। मिल्टन का द पैराडाइज लॉस्ट याद आ रहा होगा, जब बुक वन में स्टोरी स्टार्ट होती है तो उस समय गॉड और सैटन के बीच में युद्ध हो चुका था। गॉड सैटन और उसके फॉलोअर्स को हेवन से निकाल दिए थे और उसको हेल में भेज दिए थे, यानी पैंडोमोनियम में भेज दिए थे, जहां पे उसको बहुत सारे सफरिंग को फेस करना पड़ रहा था। और इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है, यानी गॉड और सैटन के बीच में युद्ध क्यों हुआ, ये स्टोरी जो है बुक नंबर 5 में प्रॉक्टर एडम को बताता है। तो याद रखना, एपिक एक ऐसी पोएम होती है जिसकी स्टोरी मीडिया रेस से स्टार्ट होती है, यानी बीच से स्टार्ट होती है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई एपिक है तो उसकी जो थीम है वो पोएम के शुरू के कुछ लाइंस में बता दी जाएगी। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड का यूज किया जाता है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब क्या होगा? इसमें पोएट पोएम के शुरू के कुछ लाइन में पोएम की थीम बताएगा, ठीक है। प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है? इन्वोकेशन आता है। इसमें पोएट म्यूज का आवाहन करता है, यानी गॉडेस ऑफ पोएट्री का आवाहन करता है, ताकि गॉडेस ऑफ पोएट्री पोएट को एनकरेज, स्ट्रेंथेन या इंस्पायर कर सके, जिससे वो अपनी पोएम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है और होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें 12 कैंटोज या 12 बुक्स होती है, तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग पोएम होगी। और इसमें कोई एक नेशनल हीरो होगा, यानी कोई एक ऐसा हीरो होगा जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। और ये हीरो कोई हिस्टोरिकल भी हो सकता है या लेजेंडरी हो सकता है। हिस्टोरिकल जैसे शिवाजी या फिर महाराणा प्रताप, अकबर, ऐसे कोई हीरो हो सकते हैं। या फिर लेजेंडरी हीरो की मैं बात करूं तो लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, इनमें से कोई हो सकता है। तो इन्हीं लेजेंडरी हीरो या हिस्टोरिकल हीरो के लाइफ, हीरोइक डीड्स और अचीवमेंट को किसी एपिक में नैरेट किया जाता है। इसके अलावा एमएच अब्राहम ने भी एपिक के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया है, ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम में प्रश्न यहाँ से मिल सकता है। एमएच अब्राहम कहते हैं कि एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है और ये किसी ग्रेट और सीरियस सब्जेक्ट पर लिखी जाती है। इसकी स्टाइल बहुत ही एलिवेटेड होती है और ये पोएम सेंटर्ड होती है किसी हीरोइक या क्वासी डिवाइन फिगर पर। हीरोइक यानी जो साहसी कार्य कर सके, क्वासी डिवाइन यानी जिसमें कोई ईश्वरीय दैवी गुण हो। तो ध्यान रखना, ये जो हीरोइक या क्वासी डिवाइन फिगर होगा उसके एक्शन किसी ट्राइब, किसी नेशन या किसी ह्यूमन रेस के फेट यानी भाग्य पर डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे होमर का एलियड ओडिसी, जो कि फर्स्ट और रियल एपिक होती है, ये बाद में जितने भी एपिक पोएम्स लिखे जाते हैं उसके लिए एक रोल मॉडल का कार्य करती है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, होमर के एलियड को कॉपी करके यानी इमिटेट करके वर्जिल ने अपना एपिक एनिड लिखा है, और वर्जिल के एनिड को कॉपी करके जॉन मिल्टन ने अपना एपिक द पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से होमर का जो इलियड है इसको रियल एपिक या प्राइमरी एपिक कहेंगे, और वर्जिल का एनिड और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इसको सेकेंडरी एपिक कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना, पिछले 3000 सालों से बहुत प्रयास किया गया है एपिक लिखने के लिए, लेकिन 6 से ज्यादा एपिक नहीं लिखा जा सका।
अब हम लोग एपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको याद करना है होमर का इलियड और ओडिसी, ये फर्स्ट और रियल एपिक होते हैं, इसको प्राइमरी एपिक भी कहते हैं, और इन दोनों में ध्यान रखना 24 बुक्स होती हैं। कई बार बुक्स के लिए कैंटोस का भी यूज होता है, तो ध्यान रखना बुक्स एंड कैंटोस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। इसके बाद आपको याद करना है वर्जिल का एनिट, ये लैटिन में लिखी गई एपिक है, और ध्यान रखना इसमें कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं। इसके बाद आपको याद रखना है बियोल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एपिक है, ये पहली इंग्लिश एपिक होती है, ध्यान रखना। इसके पहले अभी जो हम लोगों ने दो एपिक डिस्कस किया, होमर का इलियड और ओडिसी, ये ग्रीक एपिक है, वर्जिल का एनिट ये लैटिन एपिक है, और बियोल्फ ये पहली इंग्लिश एपिक होती है, ध्यान रखना। इसको कब लिखा जाता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड में। एंग्लो सैक्सन का मतलब आप समझ रहे हैं 450 से 1050 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। बियोल्फ को कब और किसने लिखा ये दोनों बातें अननोन है, और बियोल्फ में कुल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप याद रखेंगे दांते का डिवाइन कॉमेडी, इसको कब लिखा गया, मिडिवल पीरियड में लिखा गया। मिडिवल पीरियड का टाइम पीरियड क्या होता है, 1050 से लेकर 1350 का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम मिडिवल पीरियड कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डिवाइन कॉमेडी कब लिखा गया, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड, तो आंसर क्या होगा, मिडिवल पीरियड। डिवाइन कॉमेडी को पब्लिश कब किया गया था, 1321 में इसको पब्लिश किया गया था, और डिवाइन कॉमेडी की जो थीम होती है द जर्नी ऑफ सोल टूवर्ड्स गॉड, यानी आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो यात्रा है ये डिवाइन कॉमेडी में दिखाई गई है। इसमें बेसिकली 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इन्फर्नो, और दूसरा होता है परगेसियो, और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है पैराडिसो। ठीक है, इन्फर्नो में पोएट हेल की बात करेगा, परगेसियो में प्यूरिफिकेशन की बात होगी, और पैराडिसो में पैराडाइज, ठीक है, या हेवन की बात होगी। समझ में आ गया, और हर एक सेक्शन में कुल कितने कैंटोज हैं, 33 कैंटोज है, और डिवाइन कॉमेडी ध्यान रखना कि टर्जा रायमा में लिखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे, टर्जा रायमा 3 लाइन की स्टेंजा होती है। इसके बाद आपको याद रखना है मिल्टन का द पैराडाइज लॉस्ट, इसमें कुल कितने बुक्स होते हैं, 12 बुक्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एक बार मैं आपको जल्दी से याद करा देता हूँ। पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में, और इसको इन्होंने कंप्लीट किया था 1665 में। 2 ईयर्स इनको लगते हैं इसको करेक्शन और रिविजन करने में। पहली बार इसकी जो पब्लिकेशन होती है 1667 में 10 बुक्स में आती है, ठीक है, फिर बाद में बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को स्प्लिट किया जाता है, यानी तोड़ करके इसमें 2 और बुक ऐड किया जाता है, और कुल मिलाकर के 1674 में 12 बुक्स में ये आती है, ठीक है। और पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, और इसकी जो स्टाइल होती है ग्रैंड, इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, ये एक इंग्लिश एपिकल पोएम होती है, हालांकि एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन को 12 बुक्स में लिखना चाहते थे, ओनली 6 बुक्स ये कंप्लीट कर पाते हैं, और ये जो पोएम होती है 1590 में पब्लिश होती है। इसके बाद आप याद करेंगे थॉमस हार्डी का द डायनास्ट, ये एक एपिकल ड्रामा होती है, नेपोलियन वॉर पे ये एपिकल ड्रामा लिखी गई है, और इसमें 131 सीन होते हैं, और द डायनास्ट को कब पब्लिश किया गया था, 1904 में। इसके बाद आप याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि का रामायण, ये एक इंडियन एपिक होती है, संस्कृत में लिखी गई है, और इसमें कुल कितने खंड होते हैं, इसमें कुल 7 खंड होते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है तुलसीदास का रामचरितमानस, ये भी एक एपिकल पोएम होती है, अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, और इसमें भी 7 खंड होते हैं, और इसको लिखा गया है 1633 में। इसके बाद आपको याद रखना है कैमियंस का लूसियट, ये पोर्तुगीज में लिखा गया एपिकल पोएम होता है, इसमें कुल 10 कैंटोज होती हैं, और ध्यान रखना इसको पब्लिश किया गया था 1572 में। इसके बाद आपको याद रखना है तासो का जेरूसलम डेलिवर्ड, ये लैटिन में लिखा गया एपिकल पोएम होती है, और इसमें कुल 20 कैंटोज होते हैं, और इसको पब्लिश किया गया था 1581 में। तो ये सारे एपिक के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग मॉक एपिक को डिस्कस करेंगे। मॉक एपिक को मॉक हीरोइक पोएम भी कहते हैं, जिस तरह से एपिक को हीरोइक पोएम कहते हैं, तो मॉक एपिक को मॉक हीरोइक पोएम कहेंगे। और मॉक एपिक क्यों लिखा जाता है, मॉक एपिक मेनली लिखा जाता है हीरो या हीरोइन को मॉक करने के लिए,
यानी उनका उपहास करने के लिए। मॉक एपिक क्या होता है, ये रियल एपिक की पैरोडी होती है। पैरोडी मतलब रियल एपिक को हास्यास्पद तरीके से कॉपी करके लिखा जाएगा। पैरोडी क्या होती है, एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी चीज पर व्यंग किया जाएगा, ठीक है। और मॉक एपिक बहुत ही लाइट और नॉन सीरियस मूड पे लिखा जाता है। और मॉक एपिक का जो थीम होता है वो बहुत ही पीटी या ट्रिवियल होता है। पीटी या ट्रिवियल का मतलब बहुत ही तुच्छ और बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको लिखा जाता है एपिक की कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। जिस तरह से एपिक में ग्रैंड, लॉफ्टी और एपिकल स्टाइल का यूज किया जाता है, सेम मॉक एपिक में भी यूज किया जाएगा, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा अलेक्जेंडर पोप की एक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक। उसमें एक लेडी होती है और उनके बालों का जो जूड़ा है जिसको हम लॉक कहते हैं किसी ने काट लिया था। और ये टॉपिक होती है, ये थीम होती है, कितना पीटी और कितना ट्रेवियल थीम होती है, लेकिन इसको एपिक की कन्वेंशन को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। इसीलिए ध्यान रखना द रेप ऑफ लॉक एक मॉक एपिक है। और इसको लिखने का जो पर्पस था वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को या एरिस्टोक्रेटिक क्लास को क्रिटिसाइज करना था। और चूंकि मॉक एपिक की जो थीम होती है बहुत ही पिटी और ट्रेवियल होती है और इसकी स्टाइल बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होती है, इसी वजह से ये पोएम बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लूडिक्रस हो जाता है। लूडिक्रस यानी हास्यास्पद, रिडिकुलस हो जाता है। एपिक पर पैरोडी लिखने का फैशन या प्रचलन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, इटली और फ्रांस में स्टार्ट हुआ। बाद में इंग्लिश राइटर्स ने भी एपिक पर पैरोडी लिखा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला आप याद रखेंगे बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस, ये फर्स्ट और लास्ट ग्रीक मॉक एपिक होती है। और इस मॉक एपिक को ध्यान रखना होमर के इलियड पर पैरोडी की गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है अलेक्जेंडर पो का द रेप ऑफ द लॉक, इसको 1714 में पब्लिश किया गया था 5 कैंटोज में। हालांकि इसकी जो पहली पब्लिकेशन आती है वो आती है 1712 में, तब इसमें कुल 2 कैंटोज होते हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो पोएम है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। इसके बाद आप याद रखेंगे जॉन ट्राइटन का मैक फ्लैकनो, ये कब पब्लिश होती है 1682 में पब्लिश होती है। और इस पोएम को ध्यान रखना जॉन ट्राइटन अपनी राइवल और कॉन्टेम्प्रेरी थॉमस सैडवेल को क्रिटिसाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने एपिक और मॉक एपिक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।